हे गाइस, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर का, डेट इज सिंगल लिंक लिस्ट। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो गेट का, यूजीसी नेट, केवीएस, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, उसमें लिंक लिस्ट का क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट इसको स्किप करके जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत टफ लगता है। मैं बता दूं, अगर आपको लिंक लिस्ट के लॉजिक का थोड़ा सा भी पता लग गया तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा ये टॉपिक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट किससे बनी होती है? नोड से बनी होती है। एक नोड के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट डाटा कंटेन करेगा और जो सेकंड पार्ट है वो एड्रेस कंटेन करेगा। किसका एड्रेस? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। एड्रेस पार्ट जो है सारे के सारे नोड को आपस में कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि आपको पता है कि जो लिंक लिस्ट है वो डायनामिक एलोकेशन यूज़ करता है। तो डायनामिक एलोकेशन में क्या होता है कि रन टाइम के अंदर हम नोड को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हमने लिंक लिस्ट के अंदर उनकी आईडीज़, जैसे 1, 2, 3, 4, इसकी हमने एक लिंक लिस्ट बनाई है। तो लिंक लिस्ट हमने क्यों बनाई है? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। एम्प्लॉयज़ कभी भी फिक्स नहीं होते, ठीक है? इसलिए हमने उसकी क्या बना दी? लिंक लिस्ट बना दी। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या यूज़ करते हैं? लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब सिंगल लिंक लिस्ट को यहाँ पे डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पे मैंने नोड बना लिए। मैंने यहाँ तीन नोड लिए हैं लिंक लिस्ट में। अब देखो, यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं। सपोज करो, मैंने जो यहाँ पे फर्स्ट नोड है उसको एड्रेस दे दिया 100। सेकेंड नोड को मैंने एड्रेस दे दिया कोई भी एड्रेस, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में होगा, 500 दे दिया। और जो थर्ड नोड है उसको मैंने कोई भी एड्रेस दे दिया 700। अब ये नोड आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? इसका जो एड्रेस पार्ट है उसमें मैं सेकेंड नोड का एड्रेस दे दूंगी। फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में मैंने 500 दे दिया, तो ये आपस में क्या हो गए? लिंक हो गए, ठीक है? अब जो सेकेंड नोड है उसके एड्रेस पार्ट में मैंने थर्ड नोड का एड्रेस दे दिया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? लिंक्ड हो जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये कैसे हम पहचानेंगे कि ये लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ पे, जो हर एक लिंक लिस्ट के साथ होता है। उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम हेड दे दिया। उस हेड पे क्या होता है? फर्स्ट नोड को ये पॉइंट करेगा, उसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, डेट इज 100। तभी तो ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? अब इसमें मैं कुछ भी डाटा एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर देती हूँ उसके डाटा पार्ट में। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1, 2, 3। हम उसी एग्जांपल के साथ चलते हैं, एम्प्लॉई आईडीज के साथ। यहाँ पे मैंने 1 दे दी, यहाँ पे 2 दे दी और 3 दे दी। अब इसमें नंबर ऑफ जो नोड्स है कभी भी ऐड हो सकते हैं, कभी भी डिलीट हो सकते हैं, राइट? तो अब देखो, यहाँ पे जो ये लास्ट नोड है हम इसको क्या दे देते हैं? नल, जिससे कि हमें पता चल जाए यहाँ पे लिंक लिस्ट का जो है एंड हो रहा है, ठीक है? एक चीज ध्यान से देखो, जो नोड है उनका जो स्ट्रक्चर है सेम है। यहाँ पे भी दो पार्ट, यहाँ पे भी दो पार्ट, यहाँ पे भी दो पार्ट। इसलिए लिंक लिस्ट को हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब देखो, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास एक ऐसा वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है अपने ही जैसे सेम स्ट्रक्चर का, उसकी भी टाइप क्या है? सेम है। जैसे कि इसमें देखो, ये नोड है, इसका स्ट्रक्चर सेम है। इसमें दो पार्ट है, एक में हम डाटा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इसमें एड्रेस। और इसमें एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने जैसे ही स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहे हैं। नेक्स्ट नोड को देखो, यहाँ पे क्या है? डाटा पार्ट है और यहाँ पे एक पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है? अपने ही जैसे स्ट्रक्चर का, ठीक है? और ऐसा ही स्ट्रक्चर हमेशा रिपीट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैंने ये आपको डायग्राम बना के दिखाए हैं, ये क्या है? इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम मेमोरी की बात करें, देखो मेन मेमोरी में कैसे दिखेगा? मेन मेमोरी में कोई नोड किस साइड पड़ा है? कोई नोड इस डायरेक्शन में पड़ा है, कोई नोड यहाँ पड़ा है। बस ये एड्रेस से कनेक्टेड है। ये देखो, इसका एड्रेस क्या है? यहाँ पे हमने 100 लिया है ना, और यहाँ पे हमने इसका एड्रेस क्या ले लिया? 500 लिया।
और यहाँ पे हमने इसका एड्रेस लिया 700, तो 500 इसके लिंक पार्ट में इसलिए कनेक्टेड है। तो ये मैटर नहीं करता कि मेन मेमोरी में किस जगह पे है, यहाँ पे तो हमें इसलिए ये हमने ये एरो मार्क इसलिए किया है ताकि हमें पता चले कि ए की सिक्वेंस से है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इसके हेड पार्ट से हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगी, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे और हम आगे आगे चलते जाएंगे। सपोज करो हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर कुछ सर्च करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले नोड से स्टार्ट करेंगे और फिर एक पॉइंटर की हेल्प से हम आगे आगे चलते जाएंगे और लास्ट नोड पे पहुँचेंगे। लास्ट नोड का हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट नोड के जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर नल है, ठीक है। तो ऐसा इसका सिनेरियो रहेगा सिंगल लिंक लिस्ट का, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक्चुअल में, ये तो हमने चलो इसको पढ़ लिया, थ्योरी पार्ट था इसका, अब हमने एक्चुअल में इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर हम देखो सी के अंदर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आपने सी में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, उसका यूज़ करते हैं। अगर हम C++, जावा, पाइथन इसकी बात करें तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सी को लेके चल रहे हैं, तो हम सी के अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। अब देखो वो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसका कीवर्ड क्या है, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर का हमने नाम दे दिया नोड, क्योंकि हमने एक नोड यहाँ पे बनाना है। ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इसका डाटा पार्ट। सबसे पहला पार्ट क्या है, डाटा पार्ट, उसको हमने इंट टाइप का ले लिया, तो इसको हम नाम दे देते हैं इन्फो, राइट। अब सेकंड पार्ट देखो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर कि अगर हमने एड्रेस को स्टोर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल कौन से टाइप होएगी, स्ट्रक्ट नोड ही इसकी टाइप होगी, क्योंकि इसने अपने ही जैसे नोड को आगे पॉइंट करना है। तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, लिंक या नेक्स्ट कुछ भी दे दो, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें लिंक है, जिसमें एड्रेस है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया लिंक। ये एक नोड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। अब जब भी हम इंसर्शन करेंगे हमेशा हमने इसी स्ट्रक्चर को कॉल करनी है, ठीक है। जब भी हमने एक नोड को ऐड किया तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, यही नोड चाहिए। हम इसी नोड को क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हमेशा क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट के, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन कैसे होगी। थैंक यू।